एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। गाइस आप लोगों को पता होगा हाल ही में एक नोटिस काफ़ी वायरल हुई थी यूनिवर्सिटी रीओपनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन वो एक फेक नोटिस थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। गाइस यूनिवर्सिटी रीओपनिंग की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं उस नोटिस को। ऑफिशियल नोटिस आप लोग यहां पास देख पा रहोगे, नोटिफिकेशन ये 11 तारीख को जारी की गई है, आप लोग यहां पास देख पा रहोगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप लोग यहां पास देख पा रहोगे इस नोटिस में क्या दिया गया है। एज पर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मिनट्स ऑफ द डीन कमिटी डेटेड 27 अक्टूबर 2021, टाइम लाइन फॉर ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स इज एज गिवेन बिलो, ठीक है। तो इस गाइस बताया गया है कि 27 अक्टूबर 2021 को डीन्स कमिटी ने एज पर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी रीओपनिंग के लिए एक टाइमलाइन जारी किया है जो स्टूडेंट्स के लिए है, देख पा रहोगे आप लोग यहां पास, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है गाइस प्रोफेशनल पीजी फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स को 21/11/2021 मतलब कि 20 नवंबर से बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये पीजी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा कि जितने भी पीजी के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि एमबीए एम फार्मा करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें 20 नवंबर से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप लोग देख पा रहे हो गाइस पीजी फाइनल सेमेस्टर एंड पीएचडी स्कॉलर्स विथ लैबोरेटरी वर्क 10/12/2021 से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो पीजी फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स को मतलब जितने भी रेस्ट ऑफ पीजी फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है 10/12/2021 मतलब 10 दिसंबर के बाद से उन्हें बुलाया जा रहा है, और पीएचडी स्कॉलर जिनका काम लैबोरेटरी में होता है, ठीक है, उन्हें बुलाया जा रहा है 10 दिसंबर के बाद से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में बताया गया है रेस्ट ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स एंड पीजी स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग न्यू बैच ऑफ 2021-22 5/1/2022 से उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है, मतलब 5 जनवरी 2022 से बुलाया जा रहा है जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और जो पीजी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं उनको बुलाया जा रहा है, ठीक है, जो एग्जिटिंग पीजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग न्यू बैच ऑफ 2021-22, ठीक है। तो यहाँ पास बताया गया है कि केवल एग्जिटिंग पीजी स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास बताया गया है कि जो पीजी के नए बैच हैं जिनका एडमिशन अभी होने वाला है, ठीक है, 2021-22 में, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ पास बताया गया है एक्सक्लूडिंग न्यू बैच ऑफ 2021-22, ठीक है। तो जो एग्जिटिंग स्टूडेंट्स है केवल उन्हें बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एडमिशन अभी प्रोसेस में है, ठीक है, जो अभी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, ठीक है, या फिर जिनका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हो गाइस ऑनलाइन क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 25 नवंबर 2021 फॉर द न्यू बैच सेशन 2021-22। यहाँ पास बताया गया है कि जो न्यू बैच है उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड में 25 नवंबर 2021 से। तो यहाँ पास गाइस एक हिंट तो हमें मिल गया है कि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 25 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस 25 नवंबर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोला जा रहा है अभी, ठीक है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया जा रहा है अभी, ठीक है, अभी आप लोगों का केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जो भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्हें बुलाया जा रहा है उनका COVID-19 वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, मैंडेटरी है दोनों डोज लगवाना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटर करने जा रहे हैं उन्हें दोनों डोज लगवाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं लगवाया हो, जिनके लिए डेट निकाल दिया गया है, ठीक है, आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हो कि जितने भी स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है सभी को COVID-19 का दोनों डोज लगवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एंट्री मिलेगी यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने का, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। गाइस इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों को वो मिल जाए, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।